ठीक है, हम लोग सुबह निकल गए सुबह क्या है? मतलब अभी हम लोग निकल के आज बहुत लेट हो गया है, वो इसलिए लेट हो गया क्योंकि नींद खुली ही नहीं हमारी, तो ठंड में थोड़ा सुबह उठने का बिल्कुल भी जी नहीं करता, लेकिन सुबह उठना ही चाहिए सबको। ये देखिए बाहर बिल्कुल सुबह दिख रहा है, अभी मैं दिखाती बाहर निकल के कि कितना सुबह हो गया। अब मेरा बेटा भी गुस्सा हो गया, साइकिल लेके नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग फटाफट से उतर जा रहे हैं। वो भाग रहा है, वो देखिए वो भाग रहा है फटाफट से, क्योंकि उसको नहीं उस आज आप लोग उसका साइकिल नहीं लिया, इसलिए ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कितनी बड़ी पहाड़ी आपको बिल्डिंग के पीछे जस्ट दिख रही होगी। तो अभी हम मुंबई के जो गांव में जहां हम रहते हैं ये वहीं का है, कल्याण का ही है ये। और यहां मुंबई में ना आपको बहुत जगह ऐसे ऐसे पहाड़ी1 2 3 1 2 3 दोस्तों ये देखिए ना, आज मेरा बंदर रो रहा है। जानते क्यों रो रहा है? ये इसलिए रो रहा है ना कि इससे बैडमिंटन खेलना है मेरे साथ और ये खेल नहीं पाता है, इसके लिए रो रहा है। पर अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, देखिए। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है, तो मैं 20 मिनट कम से कम करूँगी और करती ही हूँ रोज़। घर में हूँ तो घर में करती हूँ, बाहर हूँ तो बाहर करती हूँ। और आप लोग करते हैं यानी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और किसी करना पसंद है योगा या फिर एक्सरसाइज प्राणायाम, जिसे पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिट रखने के लिए ना खुद को करना ही चाहिए इतना। तो अभी मेरी बेटी भी साथ देने वाली है, मेरी जो छोटी बेटी है वो मुझे ज़्यादा सिखाती है, ज़्यादा गाइड करती है कि मम्मी आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, क्योंकि उन लोगों को ना डांस क्लास में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो वो मुझे भी सिखाती है। और ये देखिए, ये तो अभी जाने वाला है हिमालय पर, ये ऐसी कोई पढ़ाई कहने वाली थी, पहाड़ी देखिए पार कर रहा है ये। और बच्चों को ना ऐसी ऐसी जगह पे लेकर जाना ही चाहिए, छोटे बच्चों ना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और मेरे घर के पास ही है तो मैं तो अक्सर लेकर आती हूँ इन्हें और छोड़ देती हूँ खुला, बिल्कुल जहाँ जी चाहे जितनी देर तक खेलो कूदो मस्ती, एकदम फुल मस्ती करो। दोस्तों देखिए, अभी हम लोग की जॉगिंग हो गई है कम्प्लीट, हमने एक्सरसाइज भी कर लिया और अभी हमें पता नहीं कि हमें जाना किधर, सच में नहीं पता है कि किधर जाना है। बस इधर से हमने लोगों को आते हुए देखा है। और ये देखिए, ऐसा बोर्ड भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इतनी पुरानी देखिए, ये वाली बिल्डिंग के पीछे देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। तो मैं जाने की कोशिश करूंगी, लेकर जाऊंगी, बहुत पुरानी बिल्डिंग पड़ी है इधर। ये देखिए, दो चार लोग घूमना शुरू कर दिया, दो चार ही लोग, एक दो चार ही लोग दौड़ाऊंगी पहले, फिर उसके बाद वीडियो बनाऊंगी, खुद भी थोड़ा सा एक दो बार दौड़ लूंगी। मेरा भाई, ये दोनों मेरे बंदर, देखिए वो कह रहा है मुझे बंदर क्यों बोलती हैं, आप ही बंदर हैं। ये देखिए, देख सकते हैं इधर बिल्कुल मतलब घर है नहीं, और हम लोग ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस एक दो लोग दिख रहा है। हम लोग मतलब आप लोगों को तो डर नहीं लग रहा है ना? अगर डर लगेगा तो बताइए, मैं यहीं पे बंद करूँगी और वापस जाऊँगी। मुझे तो डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरे दोनों बंदर साथ में हैं और फिर मेरा भाई भी साथ में, तो डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये देखिए कि चलते चलते देखिए पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ आ गया है और पहाड़ी के बीच में घर भी दिख रहा है। ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाती है, देखिए। पर इतना दूर है ना कि डर लग रहा है मुझे, रास्ते में कहीं जंगली जानवर मिल गए तो। और ये दो तो है ही मेरे पास, तो वैसे भी मुझे डर नहीं लगता। ये देखिए, और ये शिकारी मारने वाला देखिए, एक साथ में बड़ा हंटर है, ये चलती है, देखो पीछे कितना बड़ा बंदूक है, उसके साथ ही हम लोग मारेंगे। और ये नदी मिल गई, नदी, चलो भाई जल्दी, ये देखो छोटी सी नदी भी है इधर, ये देखिए इसमें अभी। और ये देखिए, एक बच्चा जा रहा है अभी स्विमिंग करेगा, ये देखिए, देख सकते हैं पहाड़ नदी के बीच में एक छोटा सा नदी, जूम कर दिया है। और ऐसे ही कट करके ना सारे पहाड़ को कट करते हैं, फिर ऐसी बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं लोग। ये देखिए, अभी हम लोग सब नेचर से ना बहुत दूर होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वो मकान जहाँ दिख रहा है, कुछ हमें चाय पानी मिलता है क्या? अगर कुछ मिल गया तो रुकेंगे थोड़ी देर, निकलते टाइम भूल गए थे कि थोड़ा सा पानी भी ले लें, रोटी पानी पर पानी लेके आए होते तो अच्छा होता। मेरी बेटी कह रही मम्मी आपको पानी लेके आना चाहिए था ना, मुझे ध्यान ही नहीं था, दो घंटे रुकेंगे तो।
तो आज हम लोग फुल टाइम लेके आए हैं, आज जितनी देर रुकना चाहे हम लोग उतनी दूर, मतलब आज फुल टाइम लेके आए हैं, जितनी देर हमें रुकना होगा उतनी देर हमें रुकने वाले हैं। अगर पानी नहीं मिले आपको तो क्या पीना चाहिए? हवा। हवा, तो हवा पीते कैसे रहें? हवा पी के दिखा जरा। बाबा रामदेव कैसे बोलते हैं, प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? शीतली शीतकारी, कैसे करना है? इसे प्यास मिट जाती है। ये देखिए, चलिए अभी हो गया हमारा जॉगिंग कंप्लीट, हमारा घूमना फिरना कंप्लीट। पूरे 2 घंटे हो गए हम लोग इधर आए हुए, हम 2 घंटे से इधर ढूंढ रहे हैं अच्छी सी लोकेशन। ये देखिए, सर नहीं होता कुछ भी बोलने पर। ये देखिए, ये मेरा कैमरा मैन है, फिर हंटर है, हम लोग जाते बाहर घूमने के साथ हो जाते हैं। देखिए अभी हम जाएंगे इन पहाड़ों के बीच में, देखिए जाने का रास्ता भी नहीं है, हम लोग कितना मुश्किल से जा रहे हैं। चलो 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 जल्दी, ऐसे करते हुए करने से जोर लगाओ, पूरी तेज लगाओ, पूरी तेज। ये पहाड़ को गिराने की नाकाम कोशिश करते हुए और जोर लगाओ, और ये टस से मस भी नहीं हुआ। ये पहाड़ बहुत छोटा, हम लोग बड़ा वाला पहाड़ गिराएंगे, हम लोग इसको छोड़ देते। चलो नाकाम हो गया, बहुत बहुत ही भारी था इसलिए नहीं कर रहा। ये देखिए आ गए अभी हम लोग अपनी सोसाइटी में, चलते हैं अब ऊपर, फटाफट से काम करेंगे। आज ऑलरेडी 2 घंटा हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम उधर ही बिता लिया, तो अभी घर के काम थोड़े ही लेट होंगे, बट कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और बना के ले आऊँगी, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। हाँ, मैं बोलना बार बार भूल जाती हूँ, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, सबको शेयर भी करना है, और सबको शेयर करिए, साथ में अपने व्हाट्सअप इंस्टा पे भी शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो को। कि अभी आ गए घर में, अब फटाफट से चलते हैं, काम पड़ा अभी घर दिखाऊंगे ना तो आप लोग बोलेंगे अरे मैम कितना गंदा, मैम क्यों बोलना, घर दिखाएंगे तो आप लोग बोलेंगे इतना गंदा घर है, तभी मैं आप लोग को अपना घर नहीं दिखाऊंगी, बाद में फुर्सत में होम टूर कराऊंगी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे। So thanks for watching, bye bye.